नमस्कार, मैं अंकुना विश्वकर्मा, आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। इटावा जनपद में आज वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार मिश्रा अपनी पुलिस टीम के साथ अचानक रेलवे स्टेशन पर पहुंची, जहां पर यात्रियों ने उसकी समस्याओं के बारे में भी जानकारी भी ली और वही यात्रियों से कुछ पूछताछ भी की गई। इस मौके पर डाक सपोर्ट की टीम और तमाम पुलिस मौजूद रही, जहाँ पर SSP ने बताया कि आज इटावा रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया गया, क्योंकि DIC के आदेश हैं कि जिसको लेकर हम लोग अपनी पुलिस टीम के साथ रेलवे स्टेशन पर पहुंचे और जो भी संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिया उसे गंभीरता से पूछताछ भी की गई और वही संदिग्ध लोगों के रेलवे स्टेशन पर अच्छी तरह से तलाशी भी ली गई। वही लोगों में निवेदन भी किया गया कि कोई भी संदिग्ध दिखाई दे तो आप पुलिस को सूचना जरूर करें। फेस इटावा से राहुल तिवारी की एक खास रिपोर्ट। जनरल इनपुट है हमारे DGP साहब के, ADG साहब, IG साहब के जनरल इनपुट है, जिसमें कि बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें चाक चौबंद व्यवस्था कराते हुए और जो मैंने बिंदु बताए जो इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं उन पे और जो लोग बाहरी यहाँ पे आ रहे हैं जा रहे हैं उन सब का ब्यौरा रिकॉर्ड किया जा रहा है और रेलवे स्टेशन, बस अड्डे या इस तरीके के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको एंटी सबोटाज टीम, बॉम्ब स्क्वाड टीम या डॉग स्क्वाड टीम के साथ में निकल के उन सबको चेक किया जा रहा है। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि जनपद इटावा में इस तरीके से शांति व्यवस्था बनी रहेगी और आगे में त्यौहार और आने वाले समय में बिल्कुल ही कानून व्यवस्था सुदृढ़ रखी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी एक महत्वपूर्ण फैसला आने वाला है, उसको लेकर के भी कोई तैयारी? जैसा मैंने बताया त्यौहार एवं जनरल अलर्ट जो पूरे देश में अगर इस तरीके का कोई भी अगर बातचीत है उसी को नेगेट करने के लिए, ताकि किसी भी तरीके का कहीं कोई पैनिक ना रहे या हमारे इटावा की पब्लिक है कहीं भी इस तरीके से मन में ये ना रहे कि कोई भी यहाँ पे गड़बड़ी फैला सकता है या कोई भी गड़बड़ फैला सकता है, तो ये ऐसा हम होने नहीं देंगे। बिल्कुल पुलिस अच्छे तरीके से यहाँ मुस्तैद है। आज स्वयं मैं पूरी अपनी टीम के साथ पूरे जनपद में हर जगह पे निकल के रेस्टोरेंट, ढाबे, रेलवे स्टेशन, बस अड्डे हर जगह किया जा रहा है और साथ ही साथ लोगों से भी वार्ता करके उनको भी गाइड किया जा रहा है और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई भी इनपुट या किसी तरीके कोई बात है तो पुलिस से वो संपर्क करे और मैं स्वयं लगातार हम लोग इसी तरह फील्ड में एक्टिव रहेंगे और ये आपको सुनिश्चित कराते हैं कि जनपद इटावा में कानून व्यवस्था बिल्कुल सुदृढ़ रखी जाएगी।